में कौन बोला देखा है, बाबू बोर्ड हो जाती है। और का सही है। ठीक है, चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शाम के 5:40 हो रहे हैं, 45, और मैं आज चैप्टर टू क्लास 9th का जो है वीडियो लाइव स्ट्रीम बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो फिर मैं डेली बनाने लगूँगा। अब इसमें स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले क्या है इसके बारे में हमें स्टडी जो करनी है वो है पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। इसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। अब यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट्स कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको आपको वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे। तो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, तो ये हमारे जो है वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसके बाद होते हैं कांस्टेंट, यानी वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कभी एक्स की वैल्यू 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी -1 आएगी, तो इस तरीके से वो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं हमारे, कोई भी नंबर हम ले लें, ठीक है, तो उनको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हमारा एग्जाम्पल है एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये इसका हमारा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम x प्लस 5 लिखते हैं, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल आया है x, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 5, तो इसमें भी एक वेरिएबल है। हम टी स्क्वायर प्लस 6 लिख सकते, इसमें भी एक ही वेरिएबल आया है। तो जिसमें केवल एक अल्फाबेट होता है या एक वेरिएबल होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसके टर्म्स की। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें तीन टर्म होंगे, ये पहला टर्म होगा, ये दूसरा टर्म होगा, ये तीसरा टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें जो है 3 टर्म्स हो जाएंगे, इसमें 3 टर्म्स होंगे। तो इसी तरीके से मान लीजिए हम x प्लस 5 लिखते हैं, तो इसमें जो है 2 टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म होंगे, 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कोफिशियंट्स की। इसके बाद हम बात करेंगे कोफिशियंट्स। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, अगर इसमें हम बात करें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है, यानी एक्स स्क्वायर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किससे है, 1 से है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अगर यहाँ पर बात करें हम कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो ये कितना होगा, देखिए एक्स में जो है ये एक्स है, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई है, 5 से मल्टीप्लाई है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स इज 5 होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो लास्ट हमारा बचा है 6, ये 6 क्या है, क्योंकि ये 6 अकेला लिखा हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट टर्म। तो एक पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म थे उनका अलग अलग हमने आपको डिफाइन कर दिया कि उनका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कोफिशिएंट हो गया,
आखिर इसके बाद इसमें एक आता है, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें केवल नंबर दिए होते हैं, जीरो को छोड़ करके। ठीक है, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जैसे टू इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, टू क्या है हमारा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके, क्योंकि हम टू को क्या लिख सकते हैं, टू इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम इसको ऐसे भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि टू इंटू एक्स की पावर जीरो, टू इंटू एक्स की पावर क्या होगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम मान लीजिए ये लिख सकते रूट टू, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये भी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, फिर इसके बाद होता है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। तो जब केवल जीरो लिखा होता है, ठीक है, जब केवल जीरो लिखा होता है तब हम कहते हैं जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो क्या होता है, जीरो हमारा जो है एक जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बाद आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये देखिए सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब देखिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल, इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए हम बात करें, मान लीजिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज टू, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो टू है, तो इसलिए इसका जो डिग्री होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें एक्स प्लस फाइव की, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी वन, क्योंकि यहाँ एक्स की पावर क्या है, वन है। अगर हम बात करें टू, तो इसकी डिग्री क्या होगी, अगर हम टू की बात करें, ठीक है, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। अब इसकी डिग्री जीरो क्यों होगी, क्योंकि इसको हम लिख सकते टू इंटू एक्स की पावर जीरो, यहाँ पर हम टू इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते, इसलिए इसकी डिग्री जीरो होती है। अब इसके बाद जो है, अगर हम बात करें चलिए अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्या होगी, इज नॉट डिफाइंड हो जाएगी, इसकी जो डिग्री होगी वो डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होगी। अगर आपको, अगर कोई है लाइव स्ट्रीम में, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, जो उसको पूछना है तो वो पूछ सकता है। अब इसके बाद जो है, इसकी जो एनसीईआरटी है आपकी, उसकी एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि राइट वो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, इसमें दिया गया है कि 4x² - 3x + 7, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो यस ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है,
क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, यूज ओनली वन वेरिएबल, और कौन सा वेरिएबल, एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है, और दूसरी खास बात इसमें क्या है कि ये जो वेरिएबल की पावर होती है ये होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर आप एक नोट लिख लीजिए कि द पावर ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, मस्ट बी होल नंबर, ठीक है। अगर वो होल नंबर नहीं है, अगर उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो है सेकंड क्या था, इरेजर को, चलिए तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, सेकंड में है वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, ठीक है। तो देखिए हमें केवल वेरिएबल की पावर से हमारा मतलब है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, टू है, और टू एक होल नंबर है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है, थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू, ये। तो अब यहाँ पर अगर देखिए रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी का मतलब होता है टी की पावर वन वाई टू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थ्री इंटू टी की पावर वन वाई टू प्लस टी रूट टू। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, द पावर ऑफ टी इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका रीजन क्या होगा, इसका आंसर होगा नो। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा कि द पावर ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है, टी, द पावर ऑफ वेरिएबल टी इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। ये इसलिए ये जो है हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ में क्या है, देखिए फोर्थ में है y प्लस टू अपॉन y। अब देखिए टू अपॉन y को हम क्या लिख सकते, इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते, टू इंटू वाई की पावर माइनस वन, टू इंटू वाई की पावर माइनस वन। तो ये माइनस वन जो है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, नो हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और दिया है इसमें फिफ्थ फर्स्ट का, ये है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 30। तो यहाँ पर जो वेरिएबल यूज हुए हैं ये तीन वेरिएबल यूज हुए, एक x, एक y और एक t। तो इसलिए सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या है ये, एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज थ्री वेरिएबल्स, थ्री कौन कौन से, एक्स कॉमा वाई एंड टी, थ्री वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल यूज हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें यहाँ पर क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या है, 2 प्लस फर्स्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
अब यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1 x² + x। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई है, 1 से, यहाँ पर 1 x² लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि द कोफिशियंट ऑफ x² इज 1, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, यहाँ पर दिया है 2 - x² + x³। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें मतलब केवल किससे है, ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 x² + x³, यानी -1 x². ठीक है, तो इसका कोफिशियंट क्या होगा, इसका कोफिशियंट -1 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो थर्ड है, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में देखिए ये है π/2 x² + x। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल जो है यहाँ π/2 है, तो इसलिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये आ जाएगा π/2। ठीक है, फिर देखिए फोर्थ वाले में क्या है, यहाँ पर दिया गया है √2x - 1। तो अब यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 0x² + √2x - 1, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई यहाँ 0 × x² लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर में या किसी पॉलिनोमियल में अगर 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हमारा देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म हो, कितने टर्म हो, टू टर्म हो, और यहाँ पर उसने दिया गया है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 होगी, तो हम लिख सकते t^35 + 2, ये एग्जांपल है, या हम लिख सकते x^35 + √2, कुछ भी लिख सकते, बस यहाँ पर ये होना चाहिए, जो भी वेरिएबल आप लोगे उसकी पावर 35 होनी जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है, हमें एक लिखना है मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक टर्म हो, क्या हो, वन टर्म, और इसकी डिग्री कितनी हमें लिखनी है, 100, तो हमारा आ जाएगा x^100, या हम लिख सकते y^100, या हम लिख सकते t^100, कोई एक लिखना है आपको, सब नहीं लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। ठीक है, तो अभी हमने डिग्री की आपको डेफिनेशन बताई थी लिख करके, कि जो हाईएस्ट पावर होती है किसकी, पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ, यहाँ पे लिख दीजिए गिवन पॉलिनोमियल इज 3, सो इट्स डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये है 4 - y², तो इसकी डिग्री कितनी होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, ये है 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 है, वेरिएबल की पावर से मतलब है हमें 5t - 7, तो यहाँ पर t की जो पावर है वो कितनी है, 1, क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया है, मतलब वेरिएबल एक ही जगह दिया है, एक ही वेरिएबल तो हो गई लेकिन एक ही जगह दिया है, तो उसकी जो पावर होगी तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर इसके बाद 3 है, तो 3 हमारा क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो जब भी कोई नंबर अकेला लिखा होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, बशर्ते वो नेचुरल नंबर हो। ठीक है, या कोई नंबर हो 0 को छोड़ करके, ठीक है, कोई भी नंबर हो 0 को छोड़ करके, तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते, इसको हम लिख सकते 3 × x^0, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, चलिए एक और बचा, लास्ट क्वेश्चन इसका, चूज द
फॉलोइंग इज लीनियर क्वाड्रेटिक, यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है तो अगर इसकी पावर 2 है, अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे अगर उसकी डिग्री 2 है, ठीक है। अगर उसकी डिग्री 3 है, ठीक है, अगर उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री से पहचाना जाता है, अगर उसकी डिग्री 3 है तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर उसकी डिग्री, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है ये देखिए 1+x है, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फिर इसके बाद 3t है, तो इसकी भी डिग्री क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये r² है, तो इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल है, तो इसलिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है 7x³, ठीक है, तो इसकी डिग्री 3 है, तो 3 है तो ये क्या होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।